हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में फिर से आज आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं क्लास 7 का हिंदी से फिर उठती है माटी की लोक की लोक, इनके लेखक है प्रयाग सूत्र, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इस कहानी से। तो बच्चों इसमें लेखक का कहना है कि माटी के बर्तनों और माटी की मूर्तियों की परंपरा हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है, उसके महत्व सदियों से चला आ रहा है। इसको हमारे जो शिल्पकार है कुंभकार लोग, वो लोग माटी के जो बर्तन हैं, माटी के दिए हैं, माटी के गमला है, माटी के जो आपका गुलदस्ता जो है सभी माटी से बनाते हैं, इसके अनोखी परंपरा चली आ रही है। लेकिन बच्चों लेखक का कहना है कि अभी के समय में कुछ इस ओर लोग अनदेखा कर रहे हैं, किस ओर, मिट्टी के बर्तनों की ओर। लोग ज़्यादा प्लास्टिक के सामान, अल्मीनियम के सामान, इलेक्ट्रिक के सामान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जिसमें हम लोग माटी के और ज़्यादा झुकाव होता है। जैसे बच्चों दीपावली के त्यौहार में हम लोग क्या करते हैं, दिए खरीदते हैं, है ना। दिए खरीदने के बाद उसके जो मूर्तियाँ होती है गणेश लक्ष्मी जी का, वो तरह तरह के जो मिट्टी से बनाए जाते हैं सारे सामान, उसको हम लोग खरीदते हैं, वो घर में सजाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जब कुछ ऐसे भी हमारे मौके आते हैं जो हमारी देश की परंपरा को हम लोग सजा के रखते हैं, जैसे कि हम लोग आए दिन देखते हैं बच्चों कि जो भी हम लोग का पूजा होता है उसमें देखते हैं हम लोग कि आपका काली जी का मूर्ति, दुर्गा जी का मूर्ति, हम लोग का जो स्कूल में पूजा होती है सरस्वती जी का मूर्ति, है ना। इस तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण पूजा है जो मिट्टी से ही उसको मूर्तियों को बनाया जाता है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं मिट्टी का प्रयोग कहाँ होता है, चाय पीने के लिए कुल्हड़ को भी प्रयोग हम लोग देखते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ जो मिट्टी के जुड़े कुछ प्रचलित ये भी है, उनका जो आपका शिल्पकार जो है प्रचलित है, बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा के मंदिर जो विश्व विख्यात मंदिर है, इसको मिट्टी के द्वारा ही बनाया गया है। और बांकुड़ा के घोड़े जो कि काफ़ी हमारे देश में प्रचलित है, दुर्गा काली की मूर्ति भी काफ़ी प्रचलित है। और बच्चों मिट्टी से जुड़े कुछ प्रचलित मेले भी हैं, जैसे सूरज कुंड का मेला, उदयपुर के शिल्पग्राम का वार्षिक मेला, इस मिट्टी के से जुड़े मेला हैं जो काफ़ी प्रचलित है। तो लेखक का कहना यह है कि मिट्टी से जो हमारे कुंभकार लोग जो जुड़े हुए हैं, शिल्पकार लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका स्थिति जस का तस ही बना हुआ है, उसका स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। जैसे अन्य सामानों की आपका भाव जो बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से मिट्टी के सामानों की भाव नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो देश के शिल्पकार कुंभकार लोग हैं, उन लोग का स्थिति जस का तस बना हुआ है, जिसके लिए लेखक का कहना है कि हमारे उस ओर भी ध्यान देना चाहिए जो हमारी देश की परंपरा बची रहे। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी पर जो साजो सामान है उस पर ज़्यादा हम लोग को खरीदारी करना चाहिए, जिससे हमारे देश के कुंभकार लोग हैं उसका आर्थिक स्थिति में सुधार हो, उसको प्रोत्साहन मिले और हमारी देश की परंपरा बची रहे। थैंक यू बच्चों, आज के चैप्टर में आज हमने इतना बताया, कल इसका मैं प्रश्नोत्तर कराऊंगा। धन्यवाद।